वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको आम का पापड़ बनाना बताऊंगी, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट होता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और इसे एयरटाइट कंटेनर में बंद करके 2 से 3 महीने के लिए हम फ्रिज में रख सकते हैं। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंगो पापड़ बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आम को कट कर लिया है, बड़े बड़े पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं। आम हमें बिल्कुल मीठे ही लेने हैं। मैंगो के जो हमने पीसेस किए हैं वो अब हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे हमें बारीक पीसना है। पीसते समय हमें पानी का यूज नहीं करना है और बिल्कुल इसका बारीक पेस्ट बनाना है। तो चलिए अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका स्मूथ पेस्ट बनाए, एक भी आम का टुकड़ा इसमें नहीं रहना चाहिए। अब इसको हमें पकाना है तो डायरेक्ट मैं इसको कुकिंग पैन में ही डालूंगी। सारा पेस्ट मैंने जार से निकाल लिया है, अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम आम लिए हैं तो इसमें अब हम 100 ग्राम शक्कर ऐड करेंगे। ये हमने पापड़ जमाने के लिए थाली ली है तो इसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह चारों तरफ से इसको हमें अच्छे से ग्रीस करना है ताकि पापड़ जो है चिपके नहीं और आसानी से उतर भी जाए। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो से मीडियम के बीच में ही रखना है। घड़ी देख के हमें 15 से 20 मिनट तक इसको हमें पकाना है और लगातार हमें इसको चलाते रहना है ताकि तले पे नहीं लगे, इस बात का खास ध्यान रखें। गैस की फ्लेम आप लो और मीडियम के बीच में ही रखें। आप देख सकते हैं पल्प जो है गाढ़ा होने लग गया है, हमें ज्यादा नहीं पकाना है। बस अब गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। अब ये मिक्सर जो है अब हम ग्रीस की भी थाली में ऐड करेंगे, इसमें हम फैला देंगे अच्छी तरह से। पूरा अच्छी तरह से हमें इसको फैला लेना है। इस तरह हमें ये प्रोसेस फटाफट करना होगा क्योंकि आम का पल्प जैसे जैसे ठंडा होएगा वैसे वैसे जमना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमें बहुत फास्ट करना होगा। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। जाली से हम इसको ढक देंगे और 2 से 3 दिन तक हमें इसको धूप में रखना है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह हमें इस पर जाली लगा देनी है। आप देख सकते हैं अभी 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में कितना अच्छा सूखकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो कॉर्नर से हम नाइफ की मदद से इसको हटाएंगे। इस तरह चारों तरफ से हमें इसको कॉर्नर से हटाना है, ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। इस तरह देखिए बड़ी आसानी से निकल जाता है, आप देख सकते हैं। इस तरह इसको हमें हाथ से उठाते हुए खींचना है, ये देखिए बड़ी आसानी से निकल जाता है। इस तरह में घुमा घुमा के इसको उठाना है। पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी इसमें स्किप नहीं कर रही हूँ। ये देखिए पूरा मैंने आपको उठा के दिखाया है, पूरा पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसी प्लेट को हम उल्टा कर देंगे और इसके हम पीसेस कर लेते हैं। पीसेस आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ये देखिए बड़ी आसानी से पीसेस हो जाते हैं इसके। जितना आपको छोटा बड़ा रखना है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आम पापड़ को मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे आम के पापड़ बने हैं हमारे। इन्हें आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 2 से 3 महीने तक खराब नहीं होंगे और बाहर रखेंगे तो 1 महीने तक खराब नहीं होंगे। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।